हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल लवर्स। माय नेम इज नितेश। तो चलिए गाइस, आज हम एक बहुत ही अलग चीज़ से शुरुआत करेंगे। एप्पल ने जो है ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया है, तो हम वेबसाइट पर जाकर आपको बताएंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ओके, तो ये है हमारा एप्पल स्टोर का वेबसाइट। द एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज नाउ ओपन। ओके, तो ये एप्पल का लोगो है, बहुत ही बढ़िया लोगो बनाया हुआ है। इंडियन कल्चर से जो है प्रभावित होकर इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये एप्पल का लोगो। ओके, तो प्रोडक्ट्स देख सकते हो आप गाइस। हाँ, वॉचेज अवेलेबल है, आईपैड एयर है, आईमैक है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो एक चीज़ में हम जाएंगे, मैक में जाएंगे और देखते कि क्या क्या कन्फिग्रेशन अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो मैकबुक है, मैकबुक प्रो 13, मैकबुक प्रो 16, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए नीचे भी अगर आओगे तो सारी चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ। तो एक बार मैकबुक एयर में जो है जाकर हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे कि मैकबुक एयर पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे कि एक 256 जो है GB का स्टोरेज है और एक 512 GB का स्टोरेज है। तो जैसे कि सेलेक्ट में अगर क्लिक करो तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप 10,000 और दोगे तो आपको i5 प्रोसेसर मिलेगा। ओके, और अगर आप 25,000 दोगे तो आपको i7 मिलेगा। तो टोटल आपका कॉस्टिंग जो है 1,37,000 हो जाएगा। ओके, 16 GB रैम का जो है, अगर 8 GB आप लेते हो, 16 GB लेते हो तो एड ऑन 20,000 इस पर जाएगा, टोटल 137। देख सकते हो 512 GB 157। तो जैसे ही अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आपका बढ़ाते जाओगे, प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। अगर एड बैक पे क्लिक करते हैं हम तो देखिए क्या होता है। उसके बाद आपको रिव्यू बैक पे क्लिक करना है। देखिए टोटल आपका प्राइस 157 हो गया। ओके, अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें, 16 GB 512 GB SSD, ये सारी चीज़ है, ये आपने कॉन्फ़िगर किया है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो ये गिफ्ट मैसेज भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से गिफ्ट पैक भी करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है एप्पल ने, जो इंडिया में ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च करके। ओके, तो जैसे कि दूसरा हम देखेंगे आईफोन पे। देखेंगे आईफोन पे, वैसे तो अगर आप अमेजोन या कहीं जाओ तो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, यहाँ पर भी मिलेगी। जैसे कि 11 प्रो पे एक बार क्लिक करके देखेंगे हम। तो जैसे ही हम आईफोन 11 प्रो पे क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आ जाता है। तो एक बहुत ही ये लोगों ने जो है नई चीज़ लाई है, स्मार्टफोन ट्रेड इन। ओके, अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो उसके भी आपको एक्सचेंज यहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे कि इनकेस, चलिए हमारे पास है एक्सचेंज, अगर मैं डाल देता हूँ, पिन कोड हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ओके, अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो यहाँ पर येस क्लिक करोगे, अगर आपके पास पुराना आईफोन नहीं है, कोई और स्मार्टफोन है तो नो क्लिक करिएगा। जैसे ही यहाँ पर आप IMEI नंबर डालोगे तो आपके फ़ोन की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी और माइनस हो जाएगी 1,06,000 में से। ओके, और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप ये पेज पर आके ट्रेड इन पे नो ऑप्शन पे क्लिक करोगे राइट, तो आपको नीचे सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि आईफोन 11 प्रो, हमने प्रो पे क्लिक किया, कलर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद 256 GB अगर हमें चाहिए तो प्राइस देखिए हमारा टोटल 1,21,000 आ जाता है। और इसे आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ दी है यहाँ पर। अगर एड बैक पर क्लिक करते हैं हम तो देखिए रिव्यू बैक हम करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें, यहाँ पहले हमने मैकबुक डाला हुआ था, ये हम रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। देखिए अभी ये सारी चीज़ें, अभी चेकआउट पर क्लिक करेंगे, अप टू 6% कैशबैक विद क्वालिफाइंग कार्ड्स। ओके, तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो, जैसे कि HDFC आपके पास है, तो देखिए अप टू 10,000 ऑन ऑल ऑर्डर्स।
अबाउट 20,000। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, जैसे कि 10,000 से ऊपर आपको कैशबैक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्कीम, जा सकते हो इसके साथ भी आप। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वॉचेस हो गए, लेटेस्ट एप्पल के जो वॉचेस है, देखिए यहाँ पर कोई भी अगर आपको वॉच भी लेना है तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो वॉच के लिए। देखिए कलर यहाँ पर अवेलेबल है, आपको डायल कितने एमएम की चाहिए, 44 जीपीएस प्लस सेलुलर, तो ये सारी मिला के 52,000 प्राइस हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एप्पल वेबसाइट पर। बहुत ही बढ़िया एप्पल ने वेबसाइट लॉन्च की है, जैसे इंटरनेशनल वेबसाइट थी वैसी ही इन लोगों ने इंडिया के लिए भी लॉन्च कर दी है, सेम वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग। तो इससे एप्पल को काफ़ी फायदा होगा, इंडिया में जो इन्होंने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिए। यहाँ पर सपोर्ट का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो सपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे, देखिए आईफोन मैक आईपैड वॉच सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल जाएगी एप्पल केयर प्रोडक्ट्स। देखिए तो ये सारी चीज़ें एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च की है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।